गेट बंद कर देगा निकाल सा चल। तो पीकेसी में आपका स्वागत है। इस समय हम केमिस्ट्री 12th क्लास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टॉपिक्स वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर चर्चा करने आ रहे हैं। ये वर्नर्स थ्योरी जो वर्नर नामक साइंटिस्ट दिए हुए थे, ये जनरली कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में डिटेल बताए थे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, उनसे संबंधित चर्चा की थी कि इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, इसमें किस प्रकार के तत्व एलिमेंट या लिगेंड्स काम करते हैं, उस आधार पर इसको बताया गया था। इसके डिटेल्स में उनके ज्योमेट्री की भी चर्चा की थी, उनका वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है नॉन आयोनाइजेबल होता है, उस पर भी यह चर्चा हुआ था। तो ये वर्नर नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही इसके बारे में चर्चा किए थे। ये एडिशन 1892 में दिया गया था, 1892 में, किसी किसी किताब में 1898 लिखा हुआ है, समझे। तो 1892 में वर्नर्स नाम थ्योरी साइंटिस्ट जो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए। इसमें जो पोस्टुलेट दिए हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। इस पोस्टुलेट को जरा ध्यान से समझें। पोस्टुलेट में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में द मेटल एटम, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिए हैं, ओके, इसमें जो ये मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल है, एटम है, एग्जिबिट्स शो करता है, अपने में अस्तित्व में रखते हैं क्या, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दो प्रकार के वैलेंसी रखते हैं। कितने प्रकार के वैलेंसी? दो प्रकार के, इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी। ना भी मालूम है, याद में ये आसान है, पहला प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी, तो याद भी हो जाएगा जल्दी। तो इस तरह से उन्होंने जो एटम, मेटल एटम था, उनके बारे में दो वैलेंसी बताए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में क्या बता रहे हैं सुनिए, फर्स्ट पॉइंट के बाद क्लियरली। सेकेंड, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल मीन्स आयन्स फॉर्म में होंगे प्राइमरी वैलेंसी, ओके। यानी कि जैसे ये Cl3 है, ये Cl3 है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करने के लिए है, नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी इनका कोई डायरेक्शन नहीं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी कंपोनेंट में ये जा सकते हैं, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल कहा गया है, परंतु ये आयोनाइजेबल है। इसके अपोजिट में सेकेंडरी वैलेंसी, इधर आयोनाइजेबल है प्राइमरी, तो सेकेंडरी क्या होगा? नॉन आयोनाइजेबल। यदि प्राइमरी क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, तो इसका अपोजिट में सेकेंडरी क्या होगा? डायरेक्शनल, ओके। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होगा? डायरेक्शनल वैलेंसी हो जाएगा, डायरेक्शनल इसका ज्योमेट्री हो सकते हैं, ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मतलब घुमाव, ठीक। आगे पॉइंट दब है, ये फोर्थ पॉइंट पे, द प्राइमरी वैलेंसी कोरिस्पोंड्स, यानी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डिटेल बताते हैं, या कोरिस्पोंड्स मतलब प्रदर्शित करते हैं किस चीज को, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट को, किसको प्रदर्शित करते हैं? ये ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, कौन? प्राइमरी वैलेंसी। वही सेकेंडरी वैलेंसी पर चर्चा कीजिए तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं? Cn, तो Cn को फॉलो करते हैं, यानी सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेंगे, जबकि प्राइमरी वैलेंसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट OS को शो करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट सिक्स नंबर, एवरी मेटल एटम, प्रत्येक मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, जितना भी मेटल एटम होता है उसका एक फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसको सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ओके। यानी प्रत्येक मेटल एटम के पास सेकेंडरी वैलेंसी क्या होना चाहिए? फिक्स नंबर में होना चाहिए, किसी के पास 4, किसी के पास 6, तो इस तरह से उसका फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होता है। दैट इज, अर्थात इट हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके पास कैसा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर? फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है। टू द नेक्स्ट, द मेटल एटम टेंस, जो मेटल एटम है वो क्या होते हैं? घूमते हैं, टेंस, मुड़ जाते हैं, टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड इट्स सेकेंडरी वैलेंसी, यानी मेटल एटम जो है दोनों प्रकार के वैलेंसी को क्या करते हैं? वो शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मेटल एटम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ये रखेंगे, एक बात नहीं है कि मेटल एटम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी रखेंगे, ये प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी रखते हैं। टुडे एट नंबर्स,
प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन्स, यानी प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आयन से ही फॉलो होता है। प्राइमरी वैलेंसी किससे फॉलो होंगे? सिर्फ निगेटिव आयन से। वेयर एज जबकि नाइन्थ में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय आइदर या तो निगेटिव आयन के द्वारा शो करेंगे या पॉजिटिव आयन के द्वारा शो करेंगे या तो न्यूट्रल लिगेंड्स के द्वारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उसको लिगेंड बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा शो करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो भी होता है वो खासकर निगेटिव पॉजिटिव चाहे न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा ही फॉलो होते हैं, उसी के द्वारा क्लियर होते हैं या पॉसिबल सेटिस्फाई होते हैं। टू द लास्ट टॉपिक टर्म्स, द सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स, वो हर समय क्या है डायरेक्शन देते, मतलब डायरेक्टेड मतलब वो विस्थापित अपने आप को उधर मुड़ जाते हैं, ठीक है, घूम जाते हैं, डायरेक्शन अपने दिशा व्यक्त कर देते हैं किधर, टुवार्ड्स फिक्स पोजिशन इन स्पेस। यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या करते हैं, स्पेस में एक फिक्स पोजिशन बनाते हैं, फिक्स डायरेक्शन बनाते हैं, दिशा बनाते हैं, वो रोम्बो होंगे या स्क्वायर प्लेनर होंगे या ऑक्टाहेड्रल होंगे या टेट्राहेड्रल होंगे, ये सारे के सारे क्लियर सेकेंडरी वैलेंसी ही बताएंगे या डिटेल्स करते हैं। दिस लीड्स या स्थान लेते हैं टू डेफिनिट ज्योमेट्री या एक नियमित ज्यामिति का रूप लेते हैं जिसके कारण ही ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका स्क्वायर प्लेनर हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो जो भी होगा वो डेफिनिट ज्योमेट्री होता है। इसके लिए हमें एक तौर पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि इनका कहना था कोई भी मेटल एटम दो प्रकार के वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो इस पूरे को फॉलो करने के बाद, स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, और इसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे, किसको, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे। तो प्राइमरी वैलेंसी माइनस भी हो सकता, माइनस होता ही है, और सेकेंडरी वैलेंसी अभी जीरो चार्ज है तो न्यूट्रल हो गया। इसी सेकेंडरी वैलेंसी को दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O, यहाँ फोर दिया जाए तो Cl2 कर देते हैं, तो देख लिया जाए फिर Cl, यहाँ निगेटिव में भी है। इसी तरह से CoCl6 ले लिया जाए, इधर Na3 कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या देख रहे हैं, निगेटिव से भी फॉलो हो सकता है और न्यूट्रल से भी, एक पॉजिटिव भी होता है। एग्जांपल के लिए CoCl4Cl and NO+, ये नाइट्रोसोनियम कंपाउंड है जिसको नाइट्रोसोनियम कहा जाता है। इस तरह से ये नाइट्रोसोनियम क्या है, ये प्लस लिगेंड हुआ, ये निगेटिव लिगेंड हुआ और ये न्यूट्रल लिगेंड हुआ, ये माइनस ये प्लस ए, इस तरह से ये फॉलो करता है टोटल। यानी सेकेंडरी वैलेंसी जो भी है वो क्या हो सकता है, या तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल लिगेंड होगा। इस तरह से हमने आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में बताया। इस वर्नर्स थ्योरी में और भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई व्यवधान हो, कोई समझने में कठिनाई हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और व्यू शेयर ज़्यादा दीजिए।